हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। हमें देखना है कौन सा नंबर इसमें डिविजिबल है किससे, थ्री से, मतलब थ्री से पूरा पूरा डिवाइड, कौन सा नंबर इसमें थ्री से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब इसके लिए हम प्रत्येक को डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ गिवन डिजिट। ठीक है, तो मतलब सम का मतलब क्या हो, इन ये जो डिजिट है ना इनका सम करने, 1, 2, 3, 4 डिजिट है इनका क्या करना सम। अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप सम करके देखो 2 + 3 + 8 + 2 यही होता सम ऑफ गिवन डिजिट। तो 3 और 2 कितना होता 5 होता, 5 = 13 और 2 कितना होता 15। अब मुझे देखना क्या 3 के टेबल में 15 आता, भाई 3, 5 + 15 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 2, 3, 8, 2 क्या है 3 से डिविजल हो जाएगा। जब इसका सम किससे डिविजल हो जा रहा है, इसका सम कितना आ रहा 15 आ रहा, 15 3 के टेबल में आ रहा, इट मीन्स क्या है 2382 इज डिविजल बाय, डिविजिबल बाय 3, कम्प्लीटली डिविजल बाय 3। ओके, क्योंकि कैसे पता लगता है भाई, सम करना होता है, इन डिजिट का सम करना होता है। जैसे हमारे पास ये है 2, 3 + 4 + 5 + 6 इनका सम करो भाई कितना आ रहा, 5 आ रहा, 5 × 4 = 9, 9 और 5 कितना होता 14, 14 और 6 कितना होता 20 होता। भाई 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता, आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल नहीं आता। देखो 3, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 21 था। तो ये क्या आ गया, ये पूरा नंबर क्या 2, 3, 4, 5, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि जो हमने जब इसका सम देखा तो भाई 20 आ रहा, 23 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 से। ओके, अब जैसे यहाँ देखो 4 + 5 0 लिखने की जरूरत नहीं, 6 देखो 4, 5 कितना होता 9 होता, 9 और 15 होता भाई 6, 15, 15 3 के टेबल में आता, बिल्कुल आता है। 3, 5 + 15 अगर आप देखोगे 3, 5 + 15 पूरा पूरा कट रहा, इट मीन 4, 5, 0, 6 इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 3। भाई जब इसका सम करेंगे ना इन नंबर का, वो सम अगर 3 से कट जाता है तो पूरा नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यही इसका देखने का तरीका है। ऐसे 3 + 4 + 7 + 1 7 हो रहा, 7 × 14 = 15, भाई 15 3 के टेबल में आता, तो हम कह सकते डिविजिबल बाय 3, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 + 3 + 4 + 2 + 6 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 8 हो जाएगा, 8 × 10 और ये 16, बस 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या आएगा नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब देखो 4 + 5 + 1 + 3 9, 10, 13 3 के टेबल में आता, बिल्कुल नहीं आता, तो क्या आएगा नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, देखो 3 + 8 + 2 + ठीक है पूरा 11 भी, 11 1 है 1 + 1 ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 15 आ रहा, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा भाई 15 तो 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 3 की डिविजिबिलिटी हम ऐसे चेक कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो आपको प्लस करना है, अगर उसका सम 3 से डिविजिबल हो रहा होगा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, okay?